हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें शियर डिज़ाइन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो लेक्चर 17 हम लोग देखे थे कि शियर डिज़ाइन में वर्टिकल स्टीरअप और बेंट अप स्टीरअप एलॉन्ग वर्टिकल स्टीरअप इंक्लाइंड स्टीरअप, ठीक है ना। तो ये आपका क्या सीयर डिजाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सीयर डिजाइन किस बेसिस पे करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, है ना। तो वो हम लोग वो देखेंगे आप, ठीक है, कि सीयर डिजाइन क्यों करते हैं, आखिर क्यों इसका जरूरत पड़ा और किस बेसिस पे करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि अचानक से हमने कोई डिजाइन कर दिया बीम को, बीम हमने अचानक से कोई डिजाइन कर दिया, तो उसमें स्टील प्रोवाइड किए होंगे ना, स्टील प्रोवाइड किए होंगे, ग्रेड ऑफ स्टील लिए होंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिए होंगे। तो उस बेसिस पे आप शियर रेनफोर्स रीडिजाइन कर सकते हैं। चलिए वो तो हो गया। अब डिजाइन करने से पहले आपने क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला कि हमने बीम में कितना स्टील प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील आपको मालूम होगा, आप कैसे निकालते हैं वही बता दूंगा। अब हो गया, फिर निकालेंगे क्या कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज किए हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कौन शियर स्ट्रेस, ये शियर डिजाइन। तो देखो हम लोग आते हैं कि किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं शियर डिजाइन। तो शियर डिजाइन डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये है ना जी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उस पर भी डिपेंड करता है शियर डिजाइन, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी शियर डिजाइन डिपेंड करता है कि आपने और डिपेंड, अरे यार, और डिपेंड करेगा आपको किस पे, और इस पे भी डिपेंड करेगा। देखो देखो थोड़ा सा बढ़ गया था, जो हमको बढ़ाना नहीं है, पॉइंटर सेलेक्ट करना। चलो तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है सीयर डिजाइन। सीयर डिजाइन हमको करना है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट के आधार पे, ठीक है। तो ये दोनों को आधार पे हम लोग डिजाइन करेंगे, किसको सीयर डिजाइन करेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पे। देखो क्या आना चाहिए, द सीयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हायर द ग्रेड ऑफ हायर इज द सीयर स्ट्रेंथ। आपने हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया है तो सीयर स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उसका हाई होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि सीयर में, टेंसाइल में आपका क्या होगा, बीम फेल नहीं होगा, आप हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं तो। और क्या नीचे कह रहा है कि आपका ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज करता है तो सीयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा कोई बीम का, है ना। फिर कह रहा है कि परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है कौन, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन। तो द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बीम, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बीम, इसको नीचे कर लो ना, है ना। क्या कह रहा है, द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बीम कंक्रीट इंक्रीज विथ परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट एएसटी। मतलब कि अगर आप परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो आपको क्या होगा कि शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो ना, कि एएसटी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, एएसटी आपका इंक्रीज करेगा। व्हेन एएसटी इंक्रीज करेगा तो आपका शियर रेनफोर्समेंट, शियर डिजाइन जो हम कर रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ जो होगा बीम का वो भी इंक्रीज करेगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम वो इंक्रीज कर जाएगा। यह दोनों को हमको देखना है। तो IS 456/2000 ने आपको एक टेबल दिया है, ये आपको टेबल दे दिया है कि इसी के आधार पे आप डिजाइन कर सकते हैं शियर रेनफोर्समेंट, है ना। तो देखिए शियर डिजाइन हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ टेंसाइल, परसेंटेज ऑफ स्टील है तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है,
एस क्या है, एरिया ऑफ स्टील है ना, एरिया ऑफ स्टील अपॉन बीडी, ये आपका क्या परसेंटेज ऑफ स्टील है। हमें निकालने का तरीका है परसेंटेज ऑफ स्टील एस इंटू 100 अपॉन बीडी, परसेंटेज ऑफ स्टील यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इस पे भी डिपेंड करता है ना आपका, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करता है आपका शियर स्ट्रेंथ, तो भी देखेंगे है ना। तो ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी इन अ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फोर डिफरेंशियल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये देखो टाउ सी जो यहाँ पे है, ये टाउ सी जो है यहाँ पे टाउ सी, ये क्या है शियर स्ट्रेंथ है, किसका, कोई बीम का है ना, उसका स्ट्रेंथ है, बीम का शियर स्ट्रेंथ है कि टाउ सी है जो रोकेगा शियर में, रोकेगा फेल करने से, कि तुम फेल कर रहे हो रुको, अभी हम कहूँ गए नहीं, अभी हमको से पार करना तब तुम फेल करना। तो शियर जो शियर स्ट्रेंथ टाउ सी जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है कि ये फेलवर को रजिस्ट करेगा, रजिस्ट करेगा फेलवर को, शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा, कि बीम के द्वारा जो बीम पे जो आएगा ना शियर स्ट्रेस, वो बीम के द्वारा रजिस्ट होगा टाउ सी। टाउ सी ये बीम का स्ट्रेंथ है ना कि एक्सटर्नल लोड का है, नहीं, ये लोड का जो आएगा तो वो स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा जो बीम पे आएगा वो रजिस्ट करेगा टाउ सी, ये रजिस्टिंग है ना, टाउ सी रजिस्ट करने वाला है, स्ट्रेंथ है बीम का। तो टाउ सी को हम लोग बोल देते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, क्या है नॉमिनल, नॉमिनल भी इसको बोल सकते हैं, यानी नॉर्मल है, इससे कम आप करिएगा तो बीम आपका फेल हो जाएगा, इससे मैक्सिमम आप दे सकते हो, लेकिन इससे आप जैसा ही नीचे गए हैं तो आपको शियर डिजाइन करना ही करना है ना, कि शियर नॉमिनल से आपका शियर स्ट्रेंथ कोई भी बीम का नॉमिनल से कम आ गया तो आपको शियर डिजाइन करना ही करना है ना, और मैक्सिमम भी लिमिट है कि आप इतना ही डिजाइन करिएगा, मैक्सिमम भी लिमिट है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो टाउ सी आपका क्या हो गया, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, टाउ सी को हम लोग बोल सकते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं है ना, कंक्रीट का है तो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। तो देखिए आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना मिनिमम लेना है, M20, देखो M50 यहाँ पे नहीं लिया गया है, M50 नहीं लिया गया है ना M10 ले गया, क्योंकि वो सब में क्या है बहुत बहुत कम देगा आपका शियर स्ट्रेंथ, अगर आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम लेते हो तो शियर स्ट्रेंथ वहां से आपको कम मिलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है किसी हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज किया गया है M20, M25, M30, M50, M50 नहीं यूज किया गया, M50 तक यूज कर सकते हो, लेकिन M35 तक, M40 से भी यूज कर सकते हो, तो उससे टाउसी का मान कितना होगा, जैसे देखिए ना इसमें कि परसेंटेज ऑफ स्टील आपका कितना है, उससे कम है 0.15 से कम है, और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 0.15 से परसेंटेज ऑफ स्टील कम है, और ग्रेड ऑफ स्टील आप कौन ले, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन ले रहे हैं आप M20, तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, टाउ सी का वैल्यू होगा 0.8, अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दिए लेकिन क्या परसेंटेज अलाइड रिइंफोर्समेंट नहीं रहा, परसेंटेज अलाइड रिइंफोर्समेंट में कोई चेंजेज नहीं आया, तो भी बढ़ गया कि नहीं टाउ सी, टाउसी तो ही बढ़ गया ना, 0.29 हो गया यहाँ पे, 0.29 हो गया, अब 30 के लिए भी वही हो जाएगा। हाँ देखो ये तो गड़बड़ है, M35 के लिए कितना हो गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं 20 होगा थोड़े जी, अरे जैसे हम ग्रेड ऑफ स्टील ले जाते हैं, जैसे देखो ना ऐसा कोई है, अरे ऐसा कोई इसमें तुमको पॉइंट मिला है जो कि M20 M30 का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसका नॉमिनल शियर स्ट्रेस ज्यादा है M35 का, नहीं ना, क्योंकि हम उधर पढ़े कि जैसे ही आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते हैं तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो बीम का शियर स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगा आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने से, इतना तो हम पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे 20 मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 29 ही होगा, इसको 29 बना लीजिए है ना,
यहाँ पे कितना हो गया 29, 0. अरे 0.229, ठीक है। और एम 40 और एम 47 के लिए टाउ सी का मैक्सिमम मान कितना होगा? टाउ सी का मान होगा 0.35, 0.3, 0.3, ठीक है। फिर आप परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट बढ़ाते हो, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट आप बढ़ाते हो, कितना बढ़ गया आपका 0.25, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए 0.36 बढ़ रहा है कि नहीं? परसेंटेज यहाँ परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट बढ़ रहा है, देखो ना। लेकिन यहाँ पे देखो बीम हम डिजाइन कर रहे हैं ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि बीम का मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो हम लोग बीम में प्रोवाइड करेंगे वो 1 से 2% होगा। बीम में जितना भी डिजाइन है ना, रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं 1 से 2%, मतलब मिनिमम 1% तो देना ही देना है, मैक्सिमम 2% आप बीम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये बात कॉलम में नहीं रहेगा, कॉलम में आप मिनिमम 4% दीजिएगा रेनफोर्समेंट स्टील को, 4% तो देना ही। तब बोलेगा कि सर ये क्या परसेंटेज परसेंटेज रट लगा के रखे हैं, परसेंटेज कुछ समझ में आ रहा है? 1% किसका लेंगे, 4% किसका लेंगे? तारे मूर्ख, हम टोटल एरिया का बात कर रहे हैं कि टोटल एरिया जो आपका होगा सेक्शन का एक, कोई एक सेक्शन पे बात कर रहे हैं ना कि हम ओवरऑल बीम में बात कर रहे हैं। कोई एक सेक्शन पर का एरिया होगा, टोटल एरिया कुछ निकलेगा, उसका 4% लेना है कौन? टेंसाइल रेनफोर्समेंट को डिजाइन करना है, किसमें? कॉलम में मिनिमम, और बीम में मिनिमम 1% ही। मिनिमम कितना आपको बीम में देना है? 1% तो देना ही देना है, ठीक है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का 1% वहां पे रेनफोर्समेंट देना ही देना है, और मैक्सिमम 2%, ठीक है, बीम में हो गया। कॉलम में 4% मिनिमम, मैक्सिमम 8%, ठीक है। कॉलम के केस में मैक्सिमम 8% हम लोग दे सकते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं, टेंसाइल रेनफोर्समेंट बढ़ाते हैं या ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बढ़ाते हैं, तो टाउ सी का कर जाता है, टाउ सी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टाउ का नॉमिनल, देखो मैक्सिमम वैल्यू आया है यहाँ पे नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना है टाउ सी का? 1.01 आया है, यानी 1 आ सकता है मैक्सिमम, ये नॉमिनल शियर डिजाइन है। अब हम लोग आते हैं किसमें, अब टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकाल लोगे ना, परसेंटेज टेंसाइल परसेंटेज स्टील, परसेंटेज स्टील क्या हो जाएगा? 100 × ST/BD। तो चलिए अब ये हो गया कि मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस इन कंक्रीट टाउ सी मैक्सिमम, आई 456 ने दे दिया है कि आप कितना हो कंक्रीट अच्छा बना लीजिए, ये बीम बना लीजिए, कितना हो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए, कितना हो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर लीजिए, तो आपका क्या होगा M20 के लिए मतलब मैक्सिमम कितना होगा? 4 ही होगा, है ना। मैक्सिमम कितना होगा टाउ सी मैक्सिमम? 4 होगा, ये उससे एवर यूज करते हैं तो उसका टाउ सी मैक्सिमम 4 ही होगा। अब बताइए M50 यहाँ पे ले लिया है, चलिए कोई बात नहीं, M20 से हम बात करते हैं, M50 ले लिया, टाउ सी मैक्सिमम होगा इसलिए ले लिया। तो M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसका टाउ सी मैक्सिमम कितना होगा? 2.5 होगा। ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है, टाउ सी मैक्सिमम, है ना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील तो है ही क्या, है ना। तो आपका क्या हो गया, ये आ गया 2.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 के लिए, है ना। ये 2.8 आ गया किसके लिए? M20 के लिए 2.8 मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम? मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस इन कंक्रीट इतना रजिस्ट कर सकता है, मैक्सिमम इतना आ सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी कंक्रीट पे मैक्सिमम ब्लॉक ए बीम पे मैक्सिमम इतना ही रजिस्ट कर सकता है, इतना ही को लोड ले सकता है, मैक्सिमम इतना ही आपका बीम पे आ सकता है, क्या सीयर स्ट्रेस, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस टाउ सी। तो टाउ सी मैक्सिमम का ये वैल्यू है जो आपको डिपेंड करता है किस पे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, यानी कि टाउ सी मैक्सिमम आपका किसका सबसे ज़्यादा किसका है? M40 का, M40 का कितना होगा? 4,
एम फोर्टी का होगा ना। हाँ तो ये होगा। अब हम लोग मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट कितना देंगे, मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, तो वेन द नॉमिनल सीयर स्ट्रेस टाउ भी, देखो टाउ भी कैसे निकालते हैं वो भी अभी पढ़ेंगे हम, है ना। तो वेन द नॉमिनल सीयर स्ट्रेस टाउ भी कैसे निकालते हैं ये बात करते हैं हम इसको, उसके बारे में है। तो टाउ भी इज लेस देन डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ टाउ सी, ये टाउ सी आपको क्या है डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ है, टाउ भी जो है वो टाउ सी है जो मतलब कि हम लोग डिजाइन करेंगे देंगे बीम में देंगे, और टाउ भी आपको क्या आएगा वो आएगा एक्सटर्नल लोड के कारण टाउ भी, है ना, यानी कि बीम में लोड कितना आ रहा है उसकी वजह से टाउ भी आएगा। तो कह रहा है कि कंक्रीट, यहाँ पे कह रहा है ना कंक्रीट देन सो सीयर सीयर रेनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन बट इट सच केसेस मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट इज टू बी द फॉर्म ऑफ स्टीरअप सच एच, मतलब कि मिनिमम हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ जो है ना देखो यहाँ पे हम लोग टाउ भी है जो देखो क्या है इन द नॉमिनल, है ना इन द नॉमिनल सीयर स्ट्रेस, नॉमिनल है ना इन द नॉमिनल सीयर स्ट्रेस टाउ भी इज लेस देन डिजाइन सीयर स्ट्रेस टाउ सी, ये आपका डिजाइन है ये क्या है नॉमिनल सीयर स्ट्रेस टाउ भी, ठीक है। और सीयर स्ट्रेंथ टाउ सी को हम क्या बोलते हैं सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देन नो सीयर एनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन, अगर आपका क्या है टाउ भी है ये टाउ भी जो है नॉमिनल सीयर स्ट्रेस है, सॉरी नॉमिनल सीयर स्ट्रेस ये है नॉमिनल, मैं उधर गलत थोड़ा सा यहाँ पे देखो ना टाउ सी है क्या है टाउ भी जो है ये है नॉमिनल है जी नॉमिनल, ये नॉमिनल सीयर डिजाइन है और टाउ सी जो है आपका क्या है कोड ने दे दिया है डिजाइन है आप इससे कम नहीं रख सकते हैं। तो अगर टाउ भी जो है लेस देन आ गया टाउ सी से, ठीक है यहाँ पे कह रहा है ना कि वेन द नॉमिनल सीयर लेस देन डिजाइन सीयर स्ट्रेस टाउ सी, तो टाउ भी जो लेस देन आ गया टाउ सी से तो आपको सीयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अब टाउ भी कैसे निकालते हैं मैं भी बताऊँ, अगर टाउ भी आपको लेस आ गया टाउ सी से तो आपको सीयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टाउ भी ग्रेटर आ गया सॉरी अगर टाउ भी ग्रेटर आ गया टाउ सी से तो आपको डिजाइन करना ही करना है सीयर डिजाइन करना ही करना है, ठीक है। और ये क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, ठीक है। रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड, इस प्रकार हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। एस भी क्या है सब अभी कोटेशन हम लोग नीचे आगे देखते हैं सिम्बॉल इसका क्या है। इस प्रकार हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कि देखो एस भी क्या है भी देख लेते हैं। एस भी क्या है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप लेग्स इफेक्टिव इन सीयर, मतलब टोटल रेनफोर्समेंट किसका सिर्फ स्टीरअप का बात कर रहे हैं, किसका एस भी का अर्थ है टोटल रेनफोर्समेंट स्टीरअप वाला, तो ए एस बी है ना यहाँ पे ए एस बी अपॉन बी एस बी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई से, है ना इतना से ग्रेटर होना चाहिए ए एस बी अपॉन बी एस बी। एस बी क्या आपका स्पेसिंग है दो स्टीरअप का बीच का स्पेसिंग है, बी क्या है विड्थ ऑफ बीम है, ए एस बी क्या है आपका ए एस बी आपका है टोटल स्टीरअप का रेनफोर्समेंट है ना टोटल स्टीरअप का एक का नहीं टोटल है टोटल का, तो इसका रेशियो जो आना चाहिए ग्रेटर आना चाहिए 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई से, है ना ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए इस कोड ने दे रखा है, ठीक है। तो एफ वाई तो जानते ही हैं क्या इल डिस्टेंस ऑफ स्टील है, मतलब अगर हम माइल्ड स्टील लिए हैं तो एफ बाई आपका कितना हो जाएगा 250 होता है कि नहीं,
यही लेना है। तो हाँ एक चीज यहाँ पे लिख दिया है कि हाउ एवर मेंबर इज माइनर सच दैट लिंटन, लिंटन के केस में आप अगर आप रिजाइन करिएगा ना तो आपका शियर एनफोर्समेंट नॉमिनल शियर फोर्स होगा टाउ भी जो होगा वो लेस देन किससे होगा, डिजाइन शियर एनफोर्समेंट की आधा से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिंटन बहुत, लिंटन वहां पे क्या हो गया कैंटिलीवर हो गया ना जी, तो बाहर वाला छज्जा अब स्ट्रांग होना चाहिए ना, इसलिए टाउ भी जो डिजाइन आप करिएगा स्ट्रांग डिजाइन करिएगा, डिजाइन आपका जो होगा वो हाफ टाउ सी से, ठीक है। तो अब देखो आते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग कितना दे सकते हैं, यही हम बात कर रहे थे ना, अगर टाउ भी अगर लेस देन है टाउ सी से तो आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, शेयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका क्या है टाउ वी मैक्सिमम आ गया टाउ सी से तो आपको शेयर डिजाइन करना ही पड़ेगा, है ना, डिजाइन करना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम स्टील आप हम लोग कितना दे सकते हैं बीम में, ये सॉरी कॉलम, तो देखिए यहाँ पे उसका भी क्राइटेरिया है, इसको याद रखिएगा पॉइंट को, हमेशा यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप सेल नॉट बी एक्सीडेड 0.75 डी और 300 mm, मतलब कि हम लोग जो एस भी देंगे ना जी, एस भी आपका 300 mm से ज्यादा नहीं होगा, या दोनों क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, इससे भी बड़ा नहीं होना चाहिए, 0.75 डी से बड़ा नहीं होना चाहिए, डी आपका क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है ना, तो वही इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आपका एस बी, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट स्टीरअप वाला इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, इससे लेस होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ से मिनिमम एस बी कितना होना चाहिए, तो एस बी यहाँ से मिनिमम निकाल लीजिएगा कि एस बी लेस देन, यहाँ से यार एस बी निकालिए कि नहीं, अरे यार यहाँ से एस बी हो गया, ये तो और अलग परेशान के लिए होता है, चलो इसको पूरा के हटाइए देते हैं, इरेज और कर देते हैं, है ना, ऐसे इरेज लेते तो फिर टप टप इधर आना पड़ता, खटखट फील करना पड़ता, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ना एस बी होगा इंटू 0.87 FY होगा, होगा कि नहीं जी, अपॉन 0.4 × b होगा कि नहीं, अरे होगा ना, सॉरी ये एस बी हो गया, मतलब एस बी तो इतना होना ही चाहिए ना, अरे एस बी तो इतना देना ही आपको पड़ेगा, अरे ठीक है एस बी को इतना प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, एस बी को इतना तो देना ही देना है आप मिनिमम, तो मिनिमम ये हो गया, हम मैक्सिमम के लिए तो ऊपर पढ़ ही लियो, मैक्सिमम के लिए कितना हो है बोल, मैक्सिमम के लिए पढ़ा ना, मैक्सिमम के लिए आपको 0.7 × d 0.75 × d या 300 mm, इससे जो लेस होगा तीनों दोनों से लेस होना चाहिए तो आप प्रोवाइड कर सकते हो स्पेसिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिजाइन स्टेप इसको अच्छा से देखेंगे, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर तो ये हम कुछ डील करने लगे ना तो ये लेक्चर आपको घंटा दो घंटा जा सकता है, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखिए शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।